हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं वीडियो शाम से शुरू कर रही हूँ, अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। मैं किस लिए जा रही हूँ आगे वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से कुछ प्लान बन रहे थे और कुछ प्लान जो है फेल भी हो रहे थे, लेकिन फाइनली आज हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो आज मैंने बहुत दिन बाद अपना ये वाला फ्रॉक वाला सूट पहना हुआ है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट भी आए थे, तो मैं इसका लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी तैयार हो गई हूँ। अभी शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब सच बताऊँ 6 बजने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं जाने के लिए मार्केट, लेकिन जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले बोल दिया कि चलना है और फिर बाद में मैं बोली कि नहीं चलना है, लेकिन अब मैं मन बना ली हूँ चलो चलते हैं। ये छोटा बैग ले चलूँ क्या? क्यों छोटा बैग ले चलूँ बताओ? और एक चीज़ और, पैसे इसमें रखे हैं वो ले चले, चलो चलते हैं। छोटा ही बैग ले चल रहे, बंद कर दे, चलो आओ। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग आए हुए हैं पर्दा देखने के लिए। हमारा जो पुराना वाला जो घर था जिस पे हम रेंट पे रहते थे, वहाँ पे जो इतने भी पर्दे मेरे पड़े हुए थे वो सारे 7 फीट के थे, और हम अपने खुद के घर में आ चुके हैं। तो हमारे घर में जो विंडो अटैच दरवाज़ा है वो लगा हुआ है चौखट अटैच, तो उसमें 9 फीट दरवाजे मतलब पर्दे हैं वो आएंगे, जिसकी वजह से मेरे सारे पर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे नए लेने पड़ेंगे। तो हम लोग कॉस्ट को पता करने आए थे और फैब्रिक वगैरह देखने आए थे, क्योंकि हम लोग को पर्दे बनवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्दे देखे, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक मोटा वाला पर्दा भी देखा था। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें फ़िक्स कर ली और उसके बाद पता चला कि पूरा बजट जो है वो 11 से 12 हज़ार पड़ेगा और नीचे वाले पूरे फ्लोर में पर्दे लगाने के। तो बस पर्दे वगैरह देखे, सारी चीज़ें डिटेल ले ली है और अभी कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि अभी बजट गड़बड़ा रहा है हमारा। इस वजह से सोचा है कि अभी कुछ जगह के पर्दे ले लें, कुछ जगह के छोड़ दें, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी में पर्दे अगर घर पे नहीं होंगे तो धूप अंदर आना थोड़ा सा रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। पर्दे के बिना आँखों में रोशनी बहुत पड़ती है, तो इस वजह से पर्दे लेने बहुत ज़रूरी हो रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। घर आकर फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, और सुबह उठकर घर की क्लीनिंग की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बाकी के डलिए में बर्तन अभी रखे हुए हैं, मुझे ये भी लगाने हैं, सूख गए हैं रात के बर्तन, उनको लगा दूँगी। और ये फ्राइडे का दिन था, यानी जो अभी गुड फ्राइडे पड़ा था ना, उसी का दिन था। उस दिन छुट्टी थी हस्बैंड की, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स और जो भी ऑफिस जाते हैं उन सभी लोग छुट्टी होगी, क्योंकि गुड फ्राइडे छुट्टी रहती है। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ, साथ ही साथ एक तरफ मैं आलू उबलने के लिए रखूँगी, क्योंकि आज कुछ प्लान अलग ही है। अच्छा सच बताऊँ तो मैंने कुछ और भी आज के दिन के लिए सोच रखा था। आप लोगों को पता है वायरल वड़ा पाव चल रही है, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वायरल है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने सोचा था कि वो 50 रुपये का वड़ा पाव खाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो घर में ही बनाते हैं, लेकिन मेरा पोपट हो गया और मैंने वो बड़ा पाव बनाने के लिए पूरी तैयारी की, लेकिन क्या हुआ पाव नहीं मिल पाए, तो फिर मैंने आलू बंडे ही बना दिए थे, मतलब बड़ा ही बड़ा बना दिया था। ये सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। उसके बाद जब नहा कर आई तो मैंने फटाफट से आलू के मसाला बनाया, बेसन घोल के रखा, चाय तब तक पक चुकी थी, दूध वगैरह डाल दिया, और यहाँ पर मैं एक एक करके आलू बंडे सेकने लगी। और इसमें जो मसाला मैंने यूज़ किया है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक जो मसाले जो हमारे होते हैं मसालदानी में, थोड़ा सा हल्दी भी डाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची और ये सारे पाउडर मसाले, और नमक स्वाद के अनुसार, साथ साथ थोड़ी अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा मैंने सौंफ भी डाला है इसी के अंदर, और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया है। एंड नमक और अजवाइन मैंने बेसन में भी थोड़ा ऐड किया है। इस तरीके से बनाएंगे ना, वाकई में सच बता दें ऑथेंटिक बड़ा पाव गर्ल से भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। देखिए चीज़ में सब में मेहनत होती है, मैं ये नहीं कहती वो मेहनत नहीं करती, लेकिन वो 50 रुपये का बड़ा पाव खाने के लिए एक आप लंच घंटों लाइन लगाओगे, उससे अच्छा तो घर में बना के खा लो भाई। तो देखिए मैंने जो बनाया है ये बड़ा बन चुका है, पाव जो है वो मैं बनाऊँगी। अब मैं दिल्ली तो जा नहीं सकती हूँ,
नहीं तो मैं जरूर खाकर आती अगर मैं दिल्ली में रह रही होती। हाँ वहाँ पर भीड़ लगी हुई है बहुत भाई, क्योंकि वो वायरल वड़ा पाव गर्ल है इसलिए। खैर यहाँ पे मैंने सारे वड़ा जो हैं वो बना लिए हैं। हमारे यहाँ इनको आलू बंडा बोलते हैं, और ये सॉस और एक तरफ नमकीन टोस्ट और चाय वगैरह लगाकर सबको दे के आई हूँ, बच्चों को और पति देव को। उसके बाद फिर यहाँ पे आखिरी वाला जो है बैच वो मैं अपने लिए फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी। बस यही है कि थोड़ा सा रह गया, आज मैं पूरा बड़ा पाव का स्वाद लेना वाली थी उसी चीज़ का, लेकिन नहीं मिल पाया पाव। किसी और दिन बनाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी बहुत अच्छे से, ग्रीन चटनी वगैरह बनाकर। धनिया भी नहीं मिल पाई थी सच में गाइस, मतलब मार्केट एक तरीके से पूरी तरह बंद ही बंद सा ही था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मिल नहीं पाई थी। इसलिए मैंने चलो जब उबलने रख दिया था, सब चीज़ें कर ली थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, तो फिर मैंने वही सब बना लिया था। एंड गाइज यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, खाने के बाद, फिर खाने की इच्छा तो थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर मैंने खाया, मतलब खाना वगैरह जो है वो नहीं बनाया था, और ऐसा होता है थोड़ा हैवी हो ही जाता है, और छुट्टी वाला दिन था तो काफ़ी ज़्यादा लेट था, लेकिन फिर भी खाकर मज़ा आ गया। बहुत दिन बाद जब कोई चीज़ें खाओ ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तुम्हारा चाय नाश्ता हो गया है। ये बेसन का डब्बा ख़त्म हो चुका था पूरा बेसन, तो मैंने इसको धुल दिया था तुरंत और मैंने इसे भर लिया है। इसमें ये एक पूरा पैकेट आ गया है अच्छे से। और गाइस पता है मैं पहले से ही, पहले भी ऐसा ही करती थी, जब भी बेसन या फिर कोई भी सामान का, ग्रोसरी का डब्बा खाली होता है तो पहले मैं उसे धुल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें भरती हूँ। उससे क्या होता है, बर्डन नहीं पड़ता है, जब कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो सारे डब्बे एक साथ गंदे नजर नहीं आती है। वो मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सामान लगाया है। और गाइस आज खाने में मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बेसन बच गया है। सोच रही थी मैं उसकी कढ़ी बना दूँ, लेकिन कितनी कढ़ी खाए मेरे हस्बैंड को कढ़ी पसंद नहीं है, तो अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। फिलहाल तो अभी पेट फुल है, मतलब भरा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँ अभी, लेकिन शाम तक ज़रूर बनाना पड़ेगा, भूख लगाएगी। और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, 12 बज गया है। सारा काम जो निपटा लिया है मैंने, आज गुड फ्राइडे है, इस वजह से छुट्टी है, हस्बैंड भी घर पे हैं और हम लोग थोड़ा सा लेट भी उठे थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। बस आध्या, दोनों बच्चे भी थोड़ा लेट उठे थे, आध्या की तबीयत कल बहुत ख़राब हो गई थी, तो आध्या दस्त से परेशान थी, दवाई दी फिर उसको आराम मिला तब जाके वो सो पाई है। और दस का सुबह आधा दर्द होने लगा तो वो भी रो रहा था, और सुबह इतना सारा काम भी होता है, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, यहाँ तक कि अभी कपड़े बहुत सारे पड़े हैं तय लगाने के लिए, क्योंकि अभी फोल्ड करके मुझे रखने हैं जगह पर। जब तक वो रखे नहीं जाएंगे तब तक से एक कूड़े का ढेर लगा ही रहता है। मैं आपको दिखाऊं, अभी दोनों बच्चे नहाने गए हैं, ये देखो ये कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा रहेगा, और ये दक्ष ने कुछ किया है, याद है आपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे, ये पहनने वाली है आज वो, उसके अपने ही शौक हैं, पता नहीं क्या क्या निकालती रहती पहनने के लिए। और आज सुबह सुबह एक पार्सल भी आ गया है मम्मा अर्थ का, तो बनाऊंगी वीडियोस आगे चलकर। फिलहाल तो ये देखो यहाँ रखा हुआ है पार्सल, बच्चे खोल के डाल गए हैं, यही होता है जब भी मम्मा अर्थ का बॉक्स आता है तो दस आध्या यही दोनों ओपन करते हैं, उनको ही अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए थोड़ी देर में बर्तन दिखा दूँ मैं कितने सारे पड़े हुए हैं, देखो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, मैं बर्तन भी धुलूँगी उसके बाद फ्री होऊंगी तब कपड़े तय लगाऊंगी। चलिए मिलती हूँ आप सबसे अब थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नहा लिया, बाबू बन गया, राजा बेटा बन गया, अब दर्द तो नहीं हो रहा तुमको, दांत दिखाओ। कीड़े लगे तुम्हारे दांत में, बहुत बदमाश हो गए, बस यही कार्टून देखेगा दिन भर। क्या लाए बाबू पापा, क्या क्या लिया है? बहुत लेट आए हो आप, इसमें भी लेकर आए सामान, राशन का सामान इसमें ले आए। आज आप कह रहा था
अच्छा टूथब्रश नहीं है मेरा, पापा से अच्छा मंगवाओ। लाइक चिड़िया है ना ऊपर, हाँ बहुत सारी चिड़िया है देखो, बहुत सारी ची 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 बोल रही, दिन भर बोलती हैं। पता है कल तो इस बाथरूम के अंदर कबूतर आ गया था। तुम तो कैसे दे रहे, क्या लाए हैं? और ये ब्रश इसी के साथ आया है क्या? ये ब्रश इसी के साथ हमें मिला है क्या? अच्छा, और ये स्कूल के कुछ पेपर्स वगैरह हैं, इसमें कुछ राशन वगैरह है, इस सब मैं बाद में दिखाऊंगी। मैगी वगैरह है, चलो सब बाद में दिखाएंगे। पानी दे दें इनको, पानी पीना है। सादा पानी दो। आज दूध नहीं आया है, पता नहीं उन्हें फोन भी किया तो उठाया ही नहीं। बेसन 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 तो रखा है, उला रखा है, उला रखा है, हाँ डाल देंगे, कढ़ाई भी रखी है। हम ये कह रहे हैं कि आज दूध नहीं आया है, फोन किया तो उठाया नहीं। पानी गर्म कर, पानी गर्म करेगी। अब तो गर्मी होने लगी है थोड़ा, पानी गर्म करोगे? नहीं दवाई खाओगे? थोड़ा सा पानी गर्म कर देते हैं। टूट जाएंगी दांत, ये सारा सामान आया है। दादी अपने नूडल्स दे दो, ये अलग 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 फ्लेवर के लाए ना सारे। इसमें पतंजलि का टूथपेस्ट एंड ब्रश है क्या? बना देंगे बना देंगे। और ये क्या है सद्या? चने लेके आए हो? सत्तू है, सत्तू, गर्मी आ गई सत्तू पियेंगे पापा। और ये दवाइयाँ हैं आपकी? और ये मच्छर वाली क्रीम लेके आया क्यों? अच्छा, और दिखाओ वो क्या है, उसको खींचो थैले को, ये सारा भरो बाबू उसमें। ये पापा का वो है पेपर वगैरह स्कूल के लिए। गेट पहले बंद कर लेते, इसमें क्या है? लौकी का दूलाए हो क्या? सांभर बनवाओगे क्या? हाँ ये सही रहा, ये तो मैं भूल गई थी बताना, रखो यहाँ पे नीचे रखो करो। हाँ बट हाँ मैं बर्तन ही मांगने के लिए तो हूँ। ये दाल रखो नीचे, ये बिस्किट का पैकेट है एक। अब कौन सी दाल करो? ये फट जाएगी, फट जाएगी अरहर की दाल। आप सारा सामान यही निकालेंगे, इसमें क्या? हाँ अचार वाली क्यों लेके आयो? इमली नहीं, आमचूर होगा। बस सब्जी छोड़ दो, उसी में सब्जी है ना, उसी में छोड़ो, आधा छोड़ो, रख दो और कुछ नहीं। हाँ इसी में रख दो, रख दो आध्या, बाहर रख दो। अब ये परवल है रखो उधर, इधर रख दो बाहर, रख दो आलू इधर, रख दो इधर आलू, इधर रख दो किनारे बाहर। बस ठीक है, इतना सामान आया हुआ है। मटर है बेटा, मटर छोले नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत बुरी लगी हुई है। एक हेटर्स का कमेंट्स आया था। देखिए मैं किसी को हेटर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग व्यूवर्स ही हो मेरे, उन्हीं में से कोई कुछ भी बोल जाता है थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्या बोला है क्या नहीं इस बार कुछ ज़्यादा ही लग गया है बुरा। लेकिन मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर बात करूँगी लेकिन अगले पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में मैं नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। थोड़ी हर्ट हुई हूँ, बुरा लगा है। मैं किसी को बहुत गंदे तरीके से बात, मतलब जो करता है ना उसको भी जवाब भी मैं गंदे तरीके से नहीं देती हूँ। मेरी आदत में नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है इसलिए। सो बस प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दो और मैं ऐसे ही हंसती खेलती मुस्कुराती हुई आप लोगों को वीडियो देती रहूँगी। आप का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है? आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसमें आपको ग्रोसरी भी दिखा दी। तो मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।